हेलो, वेलकम है दोस्तों। नमस्कार है आप सभी का। और आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री का माइनर पेपर 1B, ठीक है, जो सेमेस्टर 3 के लिए है। तो जितने भी लोग सेमेस्टर 3 में माइनर पेपर यानी कि MN पेपर 1B के हिस्ट्री को रखा है, तो आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगर आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आपका काम मिलेगा। और भारत का इतिहास बहुत सारे पार्ट्स में, इसमें से स्पेशली 650 से लेकर के 1707 तक का इतिहास ही इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। तो अगर आपका MDC पेपर में, सॉरी MDC पेपर हो या फिर माइनर पेपर हो या फिर कोई भी पेपर, पेपर का नाम कुछ भी हो वो मायने नहीं रखता है। मायने रखता है 650 से 1707 तक का इतिहास, जिसमें भी पढ़ना हो, चाहे माइनर का नाम हो चाहे MDC का, सब में काम देगा, ठीक है। जैसे कि रांची यूनिवर्सिटी, NPU, बाकी जितने भी ये सभी हैं, इन सभी में काम देगा। अगर आपने भी सिलेबस में लिखा है 650 से 1707, तो आपका भी काम में देगा। फिलहाल देखते हैं, तो 75 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसमें से आपका 30 नंबर पासिंग मार्क्स होगा। 75 का एग्जाम होगा, 30 नंबर पासिंग होगा। यहाँ पे आपके पहले देख लेते हैं सिलेबस, क्या क्या पढ़ना है इसमें आपको। तो देखिए, ये आपका कोर्स ऑफ कंटेंट है, कहाँ गया जी, यही पे है ना, हाँ ये वाला 1 2 3 4 करके दिया गया है पूरा 10 तक, ठीक है। ये आपके सभी पढ़ने के वाले टॉपिक हैं। अब देख लेते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर। तो अगर आप रांची यूनिवर्सिटी से हैं, चाहे आप NPU से हैं, तो आप प्रोफेसर गेस्ट पेपर खरीद लीजिएगा, ठीक है। और 35 रुपीज लेता है, 35 रुपया। और इसका पहले हम लोग 1 मार्क्स वाले देखेंगे क्वेश्चन, फिर आपके 5 मार्क्स वाले, देन 15 मार्क्स वाले। तो आपके एग्जाम में 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, आपके 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपके कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, तो नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे 5 मार्क्स वाले, ठीक है। और ये आपके एग्जाम में 2 आएंगे, जिसमें देखिए पहला क्वेश्चन है राष्ट्रकूट कौन थे, मतलब यही क्वेश्चन नहीं आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिए गए हैं आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन, बाकी इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में आएंगे वो मैं आपको एग्जाम से पहले करवा दूंगा, ठीक है। तो राष्ट्रकूट के बारे में जानना है कौन थे, त्रिपक्षीय संघर्ष जानना है, ठीक है, जो 3 पक्षों के बीच में मतलब दक्षिण भारत में 3 राजाओं के बीच में युद्ध हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे जानना है पाल वंश के संस्थापक कौन थे, उनका निवास स्थान कहाँ था, ठीक है। फिर आपका महमूद गजनवी का संक्षिप्त जीवन परिचय, महमूद गजनवी, ठीक है, कैसे भारत आए, ये सारी चीजें बतानी है। एकता प्रथा क्या है, एकता प्रणाली या एकता व्यवस्था या एकता प्रथा, ठीक है। तो ये आपके 5 मार्क्स वाले। आगे देख लेते हैं, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये जो है आपके 15 मार्क्स वाले रहेंगे। और इसमें आपको आंसर करना है 15 मार्क्स वालों का कितना, तो 3 खड़ा पन्ना में। अगर आपके लिखने की स्पीड ज्यादा है तो, लिखने की स्पीड कम है तो 2 खड़ा पन्ना में, ठीक है। देखते हैं, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पालों की उत्पत्ति तथा उनके निवास स्थान का वर्णन करते हुए उनके उत्थान और पतन की विवेचना कीजिए, ठीक है। सबसे पहले जानिए कि पाल वंश कौन है, इसकी स्थापना किसने की। तो ये पढ़िएगा तो जानिए, पता चलेगा आपको कि पाल वंश की स्थापना गोपाल नामक एक व्यक्ति ने किया, जो इसका सम्राट था, ठीक है। इसी तरह से वे कहाँ पे रहते थे, किन किन जगह उनके जीते हुए थे, ठीक है, और किन से युद्ध किए, यही सब बताना है। और कौन कौन से मंदिर वगैरह बनाए, क्या क्या बनाया, यही सब आपको मेंशन करना होता है, जनरली हाईलाइट करके, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है धर्मपाल के बारे में, जो कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बनाया था इन्होंने। फिर देवपाल, ठीक है, और धर्मपाल और देवपाल के अधीन पाल साम्राज्य का उत्कृष्ट वर्णन करना है। मतलब कुछ भी पूछे पाल वंश के बारे में, आपको अगर रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आंसर करना है, ठीक है। निम्नलिखित की उपलब्धियों का वर्णन करते हुए मूल्यांकन करें, किसका, तो धर्मपाल और देवपाल। अब देखिए इसका आंसर यहाँ पे किया गया है, आपको क्या करना है, घर में जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, इन सभी का आंसर आपको पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर पढ़ना है। और क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन है उन सभी को आपको सबसे पहले एक कॉपी में नोट करना है, और उसका आंसर आपको खुद से लिखने का प्रयास करना है। आंसर को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद खुद से आंसर घर पे लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, ताकि एग्जाम में आप इजीली आंसर कर पाए, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन, पालों का महत्व बताते हुए पाल संस्कृति का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों लगभग सेम है। अगर आप एक क्वेश्चन किसी को पढ़ते हैं, ठीक है, ये वाला, तो आपका ऑटोमेटिकली नीचे वाला क्वेश्चन मिलता जुलता 60% मिल जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं,
अगला है हमारा यहाँ पे अरबों की सफलता के कारण का वर्णन कीजिए एवं सिंध विजय के प्रभावों की विवेचना कीजिए। ठीक है, अरबों की सफलता के क्या कारण थे ये जानना है, फिर आपको बताना है कि सिंध विजय के प्रभाव की विवेचना। ठीक है, एक्सप्लेन रीजन ऑफ अरब सक्सेस एंड डिस्कस कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिंधी विक्ट्री। ठीक है, तो विजय भवा, अरब जो है मध्य एशिया से आए थे, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, मुझे लगता है थोड़ा सा ये क्या बताएं, जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, चलिए वीडियो को एंड करता हूँ और मैं इसका पीडीएफ आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिनके पास नहीं है बुक वो लोग पढ़ लीजिएगा, और बुक नहीं है तो बुक खरीद लीजिए। बाकी जब आपके पास बुक नहीं हो आप इससे पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी जल्दी ही मैं करवा दूंगा। देखिए ये सभी क्वेश्चन जितने भी हैं जो कि इस पेपर में दिए हैं पढ़ लीजिएगा एक बार, अगर आप 6 घंटा पढ़िएगा ना तो एक गेस्ट पेपर को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, 6 घंटा नहीं यार, 6 घंटा में नहीं हो पाएगा, 10 घंटा में हो जाएगा। ठीक है, मतलब डेली अगर 2 घंटा पढ़ते हैं तो 5 दिन में आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको मैं यहीं पेंट करता हूँ, फालतू का क्यों टाइम वेस्ट करूंगा झूठ मूठ का, यहाँ पे कुछ पढ़ाने का है ही नहीं। मैं आपको दिखाने आया था कि किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, बाकी मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दूंगा और शेर सास जितना भी है सिलेबस को देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ लेना है। मुझे थोड़ा बीपी चेक करवाना पड़ेगा यार। ठीक है, लगता है मेरा बीपी डाउन हो गया है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं इसका पीडीएफ दे रहा हूँ, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। जो लोग गेस्ट पेपर नहीं खरीदे ऑफलाइन खरीद लीजिएगा, उसको भी ऑफलाइन पढ़िए, जब आपके पास ऑफलाइन अवेलेबल ना हो तब आप इसका उपयोग करके इस पे पढ़ेंगे। ठीक है, और दोनों पढ़िए, जहाँ से पढ़ना पढ़िए, लेकिन एग्जाम पास कीजिए, पूरी 70% प्लस कर दीजिए। ठीक है, अगर कहीं पे अच्छा सा सिलेक्शन लेना है तो, बाकी सिलेक्शन नौकरी वगैरह